नेशनल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। राजस्थान की सियासत में फिर से एक बार अशोक गहलोत ने कई बड़े मुद्दों को लेकर के यहां पर अपने पक्ष को रखा है और जाहिर सी बात है कि इसके बाद कहा जा रहा है कि प्रदेश की सियासत में जो तमाम कदम अशोक गहलोत ने उठाए हैं उसके खिलाफ विधायक जो है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नाराज नजर आते हैं और यही वजह है कि उनकी जो सियासी क्षमता है वो कम होती चली जा रही है। इस बीच अशोक गहलोत का आपको वो भाषण जरूर सुनना चाहिए, तो आपको सुनाते हैं वो भाषण जिसके बाद आगे आपको पता चलेगा कि दरअसल इस पूरे खेल के पीछे की बड़ी वजह क्या है। मैं पूछना चाहता हूँ, जांच पूरी हो ही नहीं, आप घोषणा कर रहे हो कि कोई किसी का कोई लेन देन नहीं है। अभी कटारा को आपने अरेस्ट कर लिया, ये कटारा जो सदस्य बने आरपीएससी के, किसके कहने पर बने उसका पता करना पड़ेगा। ये आसमान से तो आए नहीं है। भ्रष्टाचार का मुद्दा नौजवानों के जीवन को अंधकार में धकेल रहा है। मैं तो साथियों आपसे कहना चाहता हूं, इस यात्रा में हम निकले, इस यात्रा का जो संकल्प था जनसंघर्ष यात्रा का, वो भाजपा के शासन में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराना था। इस यात्रा का उद्देश्य नौजवानों के साथ जो धोखा होता है, जो भ्रष्टाचार होता है, उसको समाप्त करने का हमारा उद्देश्य था। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। जब मैं अजमेर से निकला था, बड़ी गर्मी थी, बहुत से लोग बोलते थे हो सकता है कुछ लोग यात्रा में ना जुड़ पाए, और मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप सचमुच सच सच जवाब देना। यहां बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, अलग अलग जिलों से आए, आप सच सच बताना, क्या आपको इस जयपुर की सभा में आने के रोकने के प्रयास हुए, हां कि ना? इसके आगे मुझे कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि यही वसुंधरा जी की सरकार में मैंने 12 से झालावाड़ 100 किलोमीटर की पदयात्रा किसान न्याय यात्रा निकाली थी। उस समय भी उस समय की सरकार ने बहुत कोशिश की, कलेक्टर, एसबी, बीडीओ, तहसीलदार, पटवारी, मास्टर, पूरे सरकार का महकमा लग गया था लोगों को रोकने के लिए। लोग रुके नहीं, किसान यात्रा हुई और उस सरकार को हमारे किसानों की मांगों मांगना पड़ा। साथियों, हमारा जनसंघर्ष किसी नेता के खिलाफ नहीं है, हमारी यात्रा किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन मैं आज इस मन से कहना चाहता हूं, हमारी यात्रा भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हमारी यात्रा नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के पक्ष में है और हम इसमें रुकने वाले नहीं है। अभी आपने भाषण सुना आदरणीय हेमराम जी का, कुछ दिन पहले हम सब बाड़मेर गए थे और हेमराम जी बहुत कम बोलने वाले व्यक्तियों में से हैं, लेकिन आज मैं उनका भाषण सुन रहा था। ये कहां की नीति है, अपनी पार्टी के नेताओं को बदनाम करो और भाजपा के नेताओं का गुणगान करो, ये चलने वाला नहीं है। सत्ता में जब लोग आते हैं तो कोई व्यक्ति नहीं आता, शासक बैठता है कुर्सी के ऊपर, उसको तेरा मेरा करने का अधिकार नहीं, उसको पक्षपात करने का अधिकार नहीं, उसको न्याय करना पड़ेगा, कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। और मैं बार बार बोलता हूं, 6 महीने के बाद चुनाव राजस्थान के अंदर है, अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी, आजकल नींबू दूध बहुत चल रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा तो हमारे विरोधी बोलेंगे कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। मैंने कभी किसी को आरोप नहीं किया, मैंने कभी किसी पर इल्जाम नहीं लगाया, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे मुंह से कभी किसी के खिलाफ एक बुरा शब्द निकला मुझे बताओ? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे खिलाफ गाली देने में कोई कमी रखी क्या? चुन चुन कर मुझको भला बुरा कहा गया,
मेरे को कोई चिंता नहीं। आप मुझको गाली दो, अपमानित करो, आरोप लगाओ मुझको, हमारे साथियों को इससे भी निचले स्तर के आरोप लगाओ, हमें कोई चिंता नहीं। लेकिन लेकिन इस लोकतंत्र में जो आज आप सब लोग बैठे हो, आप ही गणेश हो, आप ही जनार्दन हो, और आपके आशीर्वाद से यहां पर लोग आगे बढ़ते हैं, पीछे आते हैं। किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। साथियों, राजस्थान के अंदर हर साल 20 से 25 लाख नौजवान बच्चे बच्चियां 20 से 25 लाख नौजवान बच्चे बच्चियां सरकार द्वारा जो एग्जाम होते हैं वो लिखते हैं। हर बच्चा बच्ची तैयारी करता है, उसके माँ बाप पेट काट कर उसके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। गांव से जो बच्चा आता है जयपुर पढ़ने के लिए, वो क्या खर्चा करता है किताब में, ट्यूशन में, कोचिंग में, पैसे में, खाने पीने में, कैसे कैसे पैसा इकट्ठा वो करते हैं। लाख रुपए साल का खर्च होता होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जिन बच्चों के पेपर कैंसिल हो गए, जिनकी उम्र निकल गई, जिनके मन में मायूसी आ गई, नौजवान के मन में अगर मायूसी आ जाएगी तो देश का भविष्य बेहतर नहीं है। ये जनसंघर्ष यात्रा नौजवानों के कलेजे में आग लगाने के लिए है, उनको विश्वास दिलाने के लिए है। हमें हताश होने की जरूरत नहीं है, रास्ते निकलेंगे, भविष्य बेहतर होगा। आदरणीय दोस्तों, नौजवान साथियों, मैंने जो मांग रखी है, जो 5 जन समर्थन मिला वो मुझ व्यक्ति को नहीं मिला, मैंने जो मुद्दे जनता के सामने रखे हैं ये समर्थन उसको मिला है। ये समर्थन भ्रष्टाचार के खिलाफ करारा प्रहार करने को मिला है, ये जन समर्थन नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए मिला है। राजस्थान की जनता बहुत स्वाभिमानी है, राजस्थान के लोग बहुत समझदार लोग हैं। जैसा मैंने पहले कहा, अखबार में क्या छपता है नहीं छपता, टेलीविजन पे क्या दिखाते नहीं दिखाते, लेकिन ये जनता जनार्दन सारी सच्चाई जानती है। तो आपने देखा जिस तरीके से अशोक गहलोत अपने पक्ष को रख रहे हैं, दरअसल इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में भी सीएम पद को लेकर वो घमासान छेड़ सकते हैं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, देखते रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए इलेक्शन न्यूज को। धन्यवाद।